केकई जब उसकी बात नहीं समझती है, मंथरा ने अंत में एक शब्द कहा कि कर कुरूप विधि परवस कीना बोवा सुलनीय नहीं जो दीना। अरे अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आती है तो को नृप हो ही हमें का हानी। मेरी तरफ से तो राजा चाहे राम हो या भरत, चेरी छाड़ अब हो बना रानी, मैं तो दासी हूं दासी ही रहूंगी। जा रे जोग स्वभाव हमारा अनबल देख न जाए। राजा कोई भी हो मैं तो रानी बनूंगी नहीं, दासी की दासी रहूंगी। लेकिन हमारा स्वभाव तो जलाने के ही योग्य है, क्योंकि मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती। मैं तुम्हारी शुभचिंतक हूं, ताते कछुक बात अनुसारी क्षमीय दोष बड़ी चूक। इसलिए मैंने अपनी कोई बातें रखी है, हे देवी मुझे माफ करो मुझसे गलती हो गई। तो गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी तीयदर बुधिरान सुरमाया बसवेर निह सुहित जान पतया। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, कपट भरी बात गूढ़ता से प्रिय के जैसा सुनने के बाद देवताओं के द्वारा प्रार्थना स्तुति के बाद शारदा ने जो बुद्धि फेरी थी उसके प्रभाव में आकर के मंथरा की बात पर केकई ने विश्वास कर कि सादर पुनि पुनि पूछत वही सबरी गान मृगी जन मोही तसी मत फिरी आहि जस भावी रहस्य चेरी घात जन। उनकी ऐसी बुद्धि फिर गई कि जैसे कोई शिकारी शिकार के लिए चोर में खड़ा हो, किनारे में खड़ा हो, वोट में खड़ा हो, जैसे कोई बगला शिकार के घात में लगा कर बैठा हो, चोर चोरी के लिए बैठा हो और तुरंत चोरी कर ले, इतना तीव्र प्रभाव पड़ गया कि तुम पूछो मैं कहत डरा हूं धरे हूं मोर घर फोरी ना। अब आप पूछते हो और मुझे कहने में डर लगता है, क्योंकि मैंने तो आपके लिए अच्छाई की बात करी देवी और आपने मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया। सज प्रतीत बहुविध गढ़ छोली अवध साढ़े साती तब। यह अयोध्या
जितनी सुंदर सजी है ना, मंत्रा कहती है कि जितनी ये सुंदर अयोध्या सजी है, इससे मुझे संकेत मिल रहा है कि जैसे अब अयोध्या पे शनि की 7:30 लग गई हो। प्रिय सिय राम कहां तुम रानी, राम है तुम प्रिय सो पूरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप बदल गए हो, आप सेल्फिश हो गए हो, सारी बातें आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं किसी, ये रामायण कह रहा है। रहा प्रथम दिन, रहा प्रथम अब ते दिन भी तेरे के, कई जो पहले के दिन थे वो तो चले गए, अब ऐसी बात नहीं है। समौ फिरे रिप हो ही फिरी थी। हे रानी, अब वो बात नहीं है, समय फिर जाने पर समौ फिरे रिप हो ही फिरी। समौ यानी समय बदल जाने के बाद, फिरे समय बदल जाने के बाद, रिप यानी शत्रु, हो जाते हैं प्रीते, अपने प्रिय भी शत्रु हो जाते हैं। ये भानु कमल कुल पोषण निहारा, बिनु जल जार करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चाह सवत उखारी, रुंदौ करी उपाव बर भारी। एक छोटा सा भजन गाते हुए चलेंगे, क्योंकि कथा आगे बड़ी करुणों में रहेंगे। वो एक पल में हंसना है, एक पल में रोना है, एक पल में हंसना है, एक पल में रोना है, एक पल में हंसना है, एक पल में रोना है। हर वक्त के हाथों का Yeah.
कभी कभी की कल जहां बसती थी खुशियां आज है मातम वहां। वक्त था लाया बहरे वक्त है लाया तुझा। एक पल में हंसना है एक पल में रोना है। धर्म समय की कितने इंसान हो गए खुद को ना समझ वो पाए खुद से ही हो गए समझाया कि केकई अब ऐसा लगता है कि जैसे अयोध्या पे शनि की 7.5 चढ़ गई है। प्रिय भाषा में समझाया और केकई कपट गूढ़ प्रिय बातों में विश्वास कर बैठी और कहने लगी कि सुन मंथरा बात पूरी तोरी दहिन आँख नित फरक मोरी दिन प्रति देख रात कु सपने कहो न तो ही मोही बस अपने काह करो सखी शुद्ध स्वभाव दाहिन बामना जानिया का। केकई ने कहा मंथरा तेरी बात सच्ची है सुन मंथरा बात पुर तो तेरी बात सच्ची है। संकेत तो हमें भी मिलता है दाहिनी आंख हमारी रोज फड़कती है। स्त्री का दाहिना आंख अगर फड़कता है तो अपवाद और विवाद आने का संकेत है और पुरुष का अगर बाया फड़कता है तो चर्चा और विवाद से बच के रहना चाहिए। दिन प्रति देख हम रात को सपने रात दिन जब भी सहन करूं मैं बड़े उल्टे सीधे सपने देखते हूं लेकिन क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता कि मैं सपने स्वप्न का भी बड़ा प्रभाव है। कथा में समय को देखते हुए स्वप्न में अगर आप किसी के हाथ से धन लेते हो तो रोगी होने का संकेत है। स्वप्न में अगर आप कहीं भी मल वगैरह दिखाई पड़ता है तो धन आने का संकेत है। स्वप्न में अगर नाग का डंस होता है और आप किसी को बताते नहीं तो गुप्त खजाना मिलने का संकेत है। बहुत सारी चीजें जब प्रत्यक्ष मिलेंगे ऐसे में पैसे से डॉक्टर हो। ये कथा तो अपने आनंद के लिए होता है धनार्जन कभी मैंने कथाओं से किया नहीं ना पैसे लेके कथा किया ना करूंगा। पैसे से डॉक्टर हूँ ईश्वर की दया से हमारा ज्यादा काम हर्बल इंडस्ट्री से होता है। अपने चलत न आज लगु अनबल काहु कीन कही अग एक कही बार मोही देव दशा दुख। कहती है कि कही
कि का करूं सखी शुद्ध भी स्वभाव। अरे सखी मंथरा, मेरा बड़ा सीधा सौदा स्वभाव है, मैं इधर उधर की बात नहीं जानती, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, ईश्वर ने आज मुझे इतना बड़ा दुख दिया, अब क्या करूं। इतने अच्छे घरे, अब महिला नाराज हो तो क्या कहेगी, तिवारी बाबा मैं मायके चली जाऊं, ये नारी का स्वभाव। आगे वाली लाइन आप याद कर लीजिए, मैं भूल गया। केकई कहती है क्या करूं, अरे मंथरा तूने जो मुझे समझाया ना, अब मेरी समझ में आ गया कि नहीं हर जन्म भरब बर जाए, मुरवा बोले तो भावना, नहीं हर जन्म भरब बर जाए, मुरवा बोले तो भावना, की माताएं तो बहुत अच्छी हैं, बालाजी के शरण में रहते, पर हम चा महाराष्ट्र तो सच चालते हैं, कह नहीं हर जन्म भरम बरुआई, अजियत करम न सवत सो पाई। कहती जाऊंगी पूरी जिंदगी, अपने मायके में उजार लूंगी, जियत न करब सवत सव काई, जीते हुए अपनी सवत की सेवकाई यानी सेवा नहीं करूंगी। अरे बस देव जियावत जाही, ईश्वर की कृपा है जो जी रही हूं, नहीं तो सवत की सेवा करने से मर जाना अच्छा। बताओ ना केकई का, ना कौशल्या का, ना सुमित्रा का इतना अगाध प्रेम है, लेकिन एक मंथरा ने मारा पूरा सत्यानाश कर दिया, इसलिए अपने आसपास के मंथरा से भी सावधान रहना चाहिए। दीन बचन कह बहुविधि रानी, सुन कुबरी तिन माया। दीन बचन कह, जब केकई की ऐसी बात सुनी त
तब कुबरी को लगा हो मेरी बात का प्रभाव पड़ रहा है और उसने अपनी माया फैलाते हुए कहा, असकस कहो मान मन हुना, सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। ऐसे कैसे आप बात कर दे रहे हो अपनी मनमानी है? आप ऐसे कैसे मरने की बात कर रहे हो? अपनी मर्जी से सुख सुहाग तुम कहो दिन दूना। एक तरफ तो बिगाड़ रही है घर को, दूसरे तरफ कहती के कई ऐसी बात आप कैसे कर रहे हो, आपका सुख और सुहाग दिन दूना और रात चौगुना बढ़ेगा। और सुन नु कह दे, जो बुरा करेगा उसका और बुरा होगा। जहिराउर अत अनिभलता का, जे राउर अति अनिभलता का सोई पाई यह मृद परी पाक। जिसने तेरे लिए बुरा चाहा है, तेरे सुख और नींद को चुराया है, उसे दुख मिलेगा। लेकिन तुझे थोड़ी सी बात मेरी माननी पड़ेगी। अपने प्रभाव में ले लिया और पूछे वो गुनिन रेख तिन खाची, भरत भुआल हो यह साची। कहते रेखा खींच दूं ब्रह्मा की बात कट जाए, पर मेरी रेखा ना कटे। जाके कही जैसे मैं बोलूं उस राह पे चल, भरत भुआल हो यह साची। राजा भरत ही होंगे, ये बात सत्य है। भामिन करो तू कही उपाय हो, बहन वही उपाय करो तू। भामिन करो न कहो उपाऊ, हे तुम्हारी सेवा बस रहो। सवतिया झार है, जा जो मैं कहती हूं वो उपाय कर ले। राम को राजा क्या देंगे, राम को राज क्या देंगे दशरथ, कि तुम्हारी सेवा बस राऊ, सदा तेरी सेवा में दशरथ लग जाएंगे। सिखाती है कि परहु कूप तू बचन पर, सकउ कूत पति त्याग, कहसि मोर दुख देख बड़, कस न करब हितला। अरे मंथरा, तू तो मेरी इतनी प्रिय सलेहली है कि पर हुकूप तू बचन पर। मंथरा कहती अपने पुत्र को और अपने पति को छोड़ सकती हो? के कई भाव में बह गई, लव इज ब्लाइंड।